दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एडिडास व पूमा ब्रांड के ओनर दोनों सगे भाई हैं? अब सवाल यह उठता है कि ये दोनों अलग कैसे हुए। दरअसल इनके पिताजी जर्मन में एक शूज कंपनी में काम किया करते थे और इन दोनों ने पढ़ाई के बाद इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और 1924 में इन्होंने एक डासलर ब्रदर्स के नाम से कंपनी को ओपन किया। काफी मुसीबतों का सामना करने के बाद इन्हें पहली सफलता 1936 में समर ओलंपिक में प्राप्त हुई, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के धावक जेविस ओवेस को अपने बनाए गए जूतों को पहनने के लिए आग्रह किया। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस दौड़ में इन जूतों को कैरी किया और 4 मेडल हासिल किए, जिसकी वजह से यह ब्रांड पूरी दुनिया में फेमस हो गया। लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेदों के कारण 1947 में ये दोनों भाई अलग हो गए, जिसमें से एडोल्फ डैसलर ने अपनी कंपनी का नाम एडिडास रखा और रुडोल्फ डैसलर ने अपनी कंपनी का नाम प्यूमा रखा। इन दोनों भाइयों को बिजनेस चलाने का तरीका पहले से पता था, जिसकी वजह से ये दुगनी रात चौगनी तरक्की करते गए। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके